ये देखिए, ये इनोवा से भारत सरकार का राजस्थान नंबर एक अधिकारी महोदय जा रहे हैं। भारत सरकार का चढ़ाइएगा, क्या हो, दो मिनट रुकिए ना, ये अधिकारी हैं, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, और थोड़ा और नीचे कर सकते हैं सर। सर एक मिनट, सिर्फ 60 सेकंड आप मेरे को समय दीजिए, 60 सेकंड। हम लोगों का पाइपलाइन का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, एक मिनट का समय दीजिएगा, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे सर। ठीक है, एक मिनट का समय, सिर्फ एक मिनट का समय सर। जमीन पे तो उतरना पड़ेगा सर, इनोवा 30 लाख का इनोवा में घूमने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जमीन पर ही है। आपके पैसा से ही गाड़िया खरीदा गया है? बिल्कुल नहीं। किसका पैसा से है? फिर हम जा रहे हैं ऑफिस, जनता के पैसा से है। तो दो मिनट के लिए जमीन पे उतर जाइए। नहीं उतरेंगे। उतारेंगे तो हम लोग 100%, चाहे आप केस करें, मुकदमा करें, जमीन पे तो एक मिनट उतर जाइए सर। काम है आप देखिए सर, सामने कांच से दिख रहा है, मत उतरिए, हट जाइए। इसका जो मेन गेट है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, देख सकते हैं वो झर गया है पूरा सर। अच्छा, वो आप ही के सर पे गिर जाए सर, आप ही मर जाइएगा, आपका बच्चा मर जाएगा, आपका परिवार वाला मर जाएगा, रेलवे स्टेशन पे जाते हादसा हो जाएगा, कितना बुरा लगेगा। उसके लिए आप लोग कहें ना, आप लोग उजागर कीजिए ना, वो हम लोगों का काम नहीं है ना सर। हमें आपसे, इनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, सही बात है, भले ये गाड़ी से नहीं उतरे, इनको डर होगा या कुछ भी, मैं इनका पांव छूता हूं, लेकिन चाहता हूं कि अधिकारी ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करे। और सर मैं चाहता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं किया हूं, विनती करना चाहता हूं कि ये शिकायत जो है आप दूर तक पहुंचाइए, देख रहे हैं ना। और इसका मेन गेट है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया सर। अगर देखिए आपके कलम में ताकत है सर, कोई अधिकारी मिलेंगे जरूर बात करेंगे। आपके कलम में ताकत है सर, अगर आप एक लेटर लिख देंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा देश गुलाम हो गया कि अंग्रेजों के साथ हम थे तो हम अंग्रेज का विरोध नहीं कर सकते, हम इस कंपनी में है तो कंपनी में भ्रष्टाचार भी हो तो हम मलाई खाएंगे, नहीं तो विरोध नहीं करेंगे। सर लिखिए, आप विनती है आपसे। और सुनिए भैया, आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, और वहीं दुबई में आप ड्राइवरी करते ना तो आपको 80,000 रुपया दिया जाता, यहाँ पे 12,000 रुपया दिया जा रहा है, यानी आपका भी हक मारा जा रहा है भैया। मैं उनको यही सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे सामने भ्रष्टाचार हुआ है, तो जरा सोचिए बॉयलर बनाने के दौरान कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। बस विनती है कि इसको बदलने का प्रयास किया जाए, विनती है कि बेगूसराय की धरती जो है कलम से क्रांति करने वाली धरती है, रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, तो यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाए और बेगूसराय को बचाने का प्रयास किया जाए। और बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब है पूरे बिहार का, तो कम से कम यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। जय